नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबर। सुल्तानपुर इमामबाड़े की जमीन को लेकर भूमाफिया ने बरसाई गोलियां। पुलिस की मिलीभगत से भूमाफिया के हौसले बुलंद। जमानत पर बाहर आए बदमाशों ने इमाम बारगाह की जमीन को लेकर खेला खूनी संघर्ष। दबंगों ने ताबड़तोड़ बरसाई चाचा भतीजे पर गोलियां। गोली लगने से चाचा और भतीजा पूरी तरह से घायल। गोसाईगंज के मुवर गांव जिला चिकित्सालय से लखनऊ ट्रामा सेंटर किया रेफर। सुल्तानपुर के गोसाईगंज में पुलिस की शह पर फल फूल रहा है भूमाफिया। थाना गोसाईगंज क्षेत्र के मुंगर गांव का मामला। इफ्तखार हुसैन जैदी की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। गोली कांड हुआ है, इमामबाड़ा गिराने की कोशिश करी गई है, इसको लेकर आपको क्या कहना है और क्या किस तरह से इसको देखते हैं किस तरह से? देखिए, सुल्तानपुर में थाना गोसाईगंज में जिस तरीके से चार पांच रोज से दबंग लोग जमाती हजरात जिस तरीके से वहां के ऊपर इमामबाड़े को लेकर निशाना बना रहे थे और मैं मुसलसल SP सुल्तानपुर से बात कर रहा था और उनके PRO जो थे वो भी मुसलसल मेरे रास्ते में थे, मगर जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए वैसे कार्रवाई नहीं हुई। और आज मैंने जब गोली लगी तो उसके बाद फिर मैंने थाना ये सुल्तानपुर में SP सुल्तानपुर से बात की तो उन्होंने बाकायदा मुझे कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और मैं करार हुसैन साहब जिनके गोली लगी है और वो शियाने हैदर करार के जो थे प्रदेश प्रभारी थे शियाने हैदर करार कुछ कमेटी के, तो बहरहाल उनके लिए जल्द से जल्द अगर कार्रवाई न की गई तो हम लोग सुल्तानपुर में ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, इसलिए कि जिस तरीके से गोलियां चल रही हैं और जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है ये पहली बार नहीं हुआ है, ये मुसलसल होता रहा है, लिहाजा इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लगातार जो सरकार बात करी है कि भूमाफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई करी जा रही है उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक भूमाफियाओं की बात है, भूमाफियाओं को ले लेके जो सरकार की बात है वो सरकार की सिर्फ बात बात तक हो सकती है और जो भूमाफिया है वो अपना काम करके चले जाते हैं और हद ये जब वो जामबाड़े मस्जिद दरगाहों करबलाओं को भी निशाना बना रहे हैं और सिर्फ सुल्तानपुर ही नहीं बल्कि मऊ में और कई जिलों में इस तरीके के वाकयात पेश आए। मेरा नाम हसनैन जाफरी है, शियाने हैदर करार वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष, और जिसको गोली लगी है करार हुसैन और वकार हैदर को, जो करार हुसैन जी हैं शियाने हैदर करार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश प्रभारी हैं, जिस तरीके से लगातार जमाती मुसलमान जो है लगातार गोलियां चलवा रहे हैं वो एक करबला का जो है विवादित जमीन मामला था, करबला का विवादित जमीन मामला था जिस पे पुलिस ने जो है वहाँ पे PSC लगा दी गई थी कि वहाँ पे जो नसिया न सुन्नी न देवबंदी न वहाबी कोई उस जमीन को कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन किस तरीके से इनके हौसला बुलंद होते चले जा रहे हैं, ये लगातार जो है हमले पे हमले, आज जो है हमारे नाना करार हुसैन को और हमारे जो है मामा को वकार हैदर को जो है गोली जो है मार दी है और सुल्तानपुर पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, वो आज भी जो है गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, वो सब जो है फरार जो है चल रहे हैं। उनका नाम है मुंगर के जो है प्रधान, उनका नाम है कलाम और 7 लोगों के मुकदमा जो है दर्ज हुआ है। क्या कोई पुरानी रंजिश के चलते हो रहा है? नहीं, पुरानी रंजिश नहीं है, वो करबला का जो है जमीन का मामला है, इसमें 550 साल पुराना जो है वो करबला है जहाँ पे लोग जो है शिया समाज के लोग जो है ताजिया रखते थे और अलम और जुलूस निकालते थे और जिसमें जमाती मुसलमान जो है उसको जो है जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं और यहाँ तक का इमामबाड़े का जो ढांचा था उसको JCB से गिरवा दिया गया था। हम लोगों ने सबर किया कि चलो ठीक है, कानूनी व्यवस्था न खराब होने पाए जितना हो सके, हमको पुलिस प्रशासन ने सुल्तानपुर के SP ने हमको जो है विश्वास दिलाया था कि सब लोगों को जो है जेल के सलाखों के अंदर भेजेंगे, लेकिन अभी जो है 3 लोग गिरफ्तार हो गए और 3 लोग गिरफ्तार होने के बाद जो है आज ये नौबत आ गई है कि करार हुसैन को और वकार हैदर को जो है गोली मार दी गई है वहाँ पे खुलेआम, जिसमें अभी मौलाना कलबे जवाद साहब आए थे और मौलाना यासुब्बा साहब लोग आए थे अभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में। अभी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो लोग जो है जमानत पे हैं, वेल पे हैं और 4 लोग जो है पहले से फरार हैं, पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किए। सुल्तानपुर इमामबाड़े की जमीन को लेकर भूमाफिया ने बरसाई गोलियां। पुलिस की मिलीभगत से भूमाफिया के हौसले बुलंद। जमानत पर बाहर आए बदमाशों ने इमाम बारगाह की जमीन को लेकर खेला खूनी संघर्ष। दबंगों ने ताबड़तोड़ बरसाई चाचा भतीजे पर गोलियां। गोली लगने से चाचा और भतीजा बुरी तरह घायल। गोसाईगंज के मुंगर गांव जिला चिकित्सालय से लखनऊ ट्रामा सेंटर किया रेफर। सुल्तानपुर के गोसाईगंज में पुलिस की शह पर फल फूल रहा है भूमाफिया। थाना गोसाईगंज क्षेत्र के मुंगर गांव का मामला आ रहा